नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वृत्त की इक्वेशन दी गई है और बताना है कि इस ये बिंदु कहां पे लाई करता है। देखिए, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में रखने पर अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आउटसाइड द सर्कल है, आउटसाइड है। नेगेटिव आई तो इनसाइड द सर्कल है, ठीक है। और जीरो आ जाए तो क्या है, ऑन द सर्कमफ्रेंस है, ठीक है ना, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उसके ऊपर है। तो अब देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 3 और वाई की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16, माइनस एक्स की वैल्यू 3 है तो 3 × 3 9, माइनस का 9, ठीक है, माइनस 4 वाई, वाई की वैल्यू 4 है तो 16, ठीक है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 9 से 9 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी जो ये वैल्यू आई है यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 0 से तो बड़ी है, यानी आप ये कह लीजिए कि नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ज्यादा है राइट हैंड साइड के, ठीक है। अगर यह नेगेटिव वैल्यू होती तो अब क्या होता है, इनसाइड द सर्कल, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू आई है तो इसका मतलब क्या है, आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो सही सही आंसर है।